के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो पे जिसका नाम है नहीं 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 एबीसी दैट इज ऑल अबाउट कुकिंग। अब इसकी भी आदत डाल लीजिए। तो चलिए हम बना रहे हैं आज की हमारी दूसरी रेसिपी जो है आलू पोहा टिक्की। आलू पोहा टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैश पोटेटोस, जिसे कैसे बनाते हैं ये तो आप जानते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे हमारे मैश पोटेटोस। हमें एक मिक्सचर रेडी करना है। अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ पुदीना। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसके बाद नमक स्वाद अनुसार। क्योंकि आप किचन में नए हैं तो हर चीज थोड़ी कम कम डालिए। हम स्वाद को बढ़ा सकते हैं लेकिन बढ़े हुए स्वाद को हम घटा नहीं सकते। अब उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर और सबसे लास्ट हम डालेंगे चाट मसाला। यानी कि चटपटी डिश बनने वाली है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च है इसलिए आप इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, वरना ये सारा कुछ ज्यादा तीखा हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी खटास, वो हम इसमें डालेंगे नींबू के साथ। थोड़ा सा नींबू का रस, दैट विल बी ऑल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारी टिक्की का मिक्सचर। अब हम इस टिक्की को देंगे एक ट्विस्ट। मेरे पास है ये पोहा और मैदा। सबसे पहले एक बोल लेंगे और हम मैदे के घोल को तैयार कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिक किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। धीरे धीरे करके पानी डालिएगा। अगर एक साथ अब ज्यादा पानी डाल देंगे तो घोल बहुत पतला बन जाएगा। तो धीरे धीरे करके इंग्रेडिएंट्स सब बढ़ाते रहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। मैदे का घोल रेडी हो गया है, हम इसे इधर रख देते हैं। और अब एक बोल में हम डालेंगे पोहा। चलिए अब हमारे दोनों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रेडी हैं और अब हम लेंगे हमारे इस मिक्सचर को और एक छोटी सी टिक्की बनाएंगे। उसके बाद इसे इस मैदे के घोल में हम कोट कर लेंगे और पोहे के ऊपर हम इसे रोल कर लेंगे। तो देखिए हमारी टिक्की रेडी हो गई है। अब हमें इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन। उसके लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। धीरे से हम इसे इसके अंदर छोड़ देंगे। चलिए इसी तरह हम थोड़ी और टिक्कीज बनाकर उसे डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी टिक्कीज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। जैसे कि हर रेसिपी का कुछ सीक्रेट होता है, इस रेसिपी का भी एक सीक्रेट है। जब हमने मैश पोटेटोस बनाए थे तो मैंने आपको कहा था कि पोटेटोस को गर्म होना चाहिए ताकि उसका एक अच्छा सा क्रीमी टेस्ट आए। लेकिन जब आप ये आलू टिक्की बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आलू को ठंडा होने दे, उसके बाद उसकी टिक्कियाँ बनाए। ठंडा होने पर स्टार्च बाइंड हो जाता है आलू में और टिक्कीज बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप गरम पोटैटोस को यूज़ करेंगे तो टिक्की टूट भी सकती है। देखिए हमारी टिक्कीज बिल्कुल रेडी हो गई हैं। हम जल्दी से इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। चलिए अब प्लेटिंग करने के लिए हम लेंगे एक नाइस लुकिंग प्लेट। इसके साइड पर हम रखेंगे थोड़ा सा कटा हुआ सैलेड। ये बस रेड कैबेज एंड रेड कैरेट है। इसको हमने पतली पतली लंबी काट ली है।
आप चाहें तो इसके साइड पर सजा सकते हैं ये लेटिस और इसके ऊपर ये कटी हुई सैलड डालिए। उसके बाद टिक्कीस की एक ट्रेन बना दीजिए, नाइस, और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। तो रेडी हो गई है हमारी आलू पोहा टिक्की, वेरी सिंपल येट वेरी टेस्टी। देखिए इस रेसिपी का क्विक रिकैप। आलू पोहा टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री: 2 से 3 मैश्ड आलू, आधा कप पोहा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टीस्पून कटा हुआ धनिया, 2 टीस्पून कटा हुआ पुदीना, 1 कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून मैदा, स्वाद अनुसार नमक, गार्निश के लिए लाल पत्ता गोभी, गाजर, लेटस के पत्ते, धनिया और हरी चटनी। आलू पोहा टिक्की बनाने की विधि: एक बोल में मैश्ड आलू, प्याज, धनिया, पुदीना, जीरा पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला और नींबू का जूस मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करें। अब एक छोटे बोल में मैदा और पानी मिला लें। अब दूसरे बोल में पोहा निकाल कर रखें। आलू के मिक्सचर की टिक्की बना लें और उसे मैदे में डिप करें और पोहा में रोल करके गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें। गार्निश के लिए लाल पत्ता गोभी, गाजर, लेटस के पत्ते और धनिया का इस्तेमाल करें और सर्व करें हरी चटनी के साथ। आपकी आलू पोहा टिक्की तैयार है। आलू की A+ एक और रेसिपी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद।